टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा आज अडाप्ट करते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक अवार्ड फंक्शन रखा गया है जो कि अच्छी बात है. वी आर एक्नॉलेजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज़ अ गुड थिंग एंड आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ द सेकेंड ईयर विद देम. आई गेस अवार्ड्स का सेकेंड ईयर है या सो आई हैव सीन फर्स्ट सीजन का. मैंने फर्स्ट अवार्ड जो था उसका मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा था, सो इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नाइट. मेरा आईपैड बहुत यूज़ करती हूँ. माय आईपैड एंड माय फ़ोन आर लाइक माय बडीज. मैं उसके बिना कहीं जाती नहीं हूँ, तो ये दो चीज़ है. हाँ जी. हाँ, जब मुझे सबसे पहले जो फ़ोन पापा ने जो दिया था वो मोटरोला का था, तो मेरा मतलब वो सबसे अजीज़ चीज़ थी जो कि आज भी मैंने अपने पास रखा हुआ है. आई गेस दैट इज़ अ मेमरी दैट इज़ गोइंग टू बी विथ मी फॉर एवर, स्पेशली इन द फोन फॉर्म. सो दैट इज़ एंड आई यूज माई फर्स्ट फोन एट द एज ऑफ 15 आई गेस. ओके, विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली. बी सेफ एंड जितना हो सके उतना कम पोल्यूशन करें, ज़्यादा क्रैकर्स ना जलाए. विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. डेजी, प्रिटी एक्साइटेड. इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग फॉर द एग्जिबिट टेक अवार्ड्स and pretty excited for it. Let's see which brand wins, who wins. I'm pretty excited to know. Definitely I'm a 21st century girl, so definitely hamari generation hi bahut zyada technology ko lekar kafi aage hai and mostly hamara sara din aur usually jo most of the time hai hamara technology ke sath jata hai and I feel it's a great opportunity for all of us to connect, to do a lot of things, to improve on our things. And technology is actually I think a creative job mein bahut help karti hai. You know, aap apne kaam puri duniya ko dikha sakte ho and there's so much that you can do. So main to definitely like Facebook, Twitter, I'm really like not so much, but I'm really on it and try to share as much as I can jab bhi time milta hai. So yeah, I'm pretty much technology friendly. Yeah. दिवाली, आई लव द फायर वर्कस. मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड स्पेशली द लाइट्स ऑल ओवर. लाइक अगर आप दिवाली के दिन फ्लाई कर रहे हैं तो यू विल एक्चुअली सी लाइक स्टार्स ऑन द यू नो ऑन द होल स्क्रीन विल बी फिल्ड विथ लाइट्स एंड इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक फेस्टिवल्स जो होते हैं वो यूजुअली इसीलिए होते हैं ताकि लोग मिले जुले कनेक्ट करें एक दूसरे से और यू नो जस्ट फॉर अ टुगेदरनेस. एंड इट्स एन अमेजिंग ओकेजन. आई लव सेलिब्रेटिंग दिवाली, सो डेफिनेटली आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड ज़्यादा पटाखे तो नहीं फोड़ूंगी. यू शुड ऑलवेज बी इको फ्रेंडली, बट थोड़े बहुत आई थिंक फायर वर्क्स देखना मुझे पसंद है. I think I have almost everything, but if there's something really new, let's see today hume kya dekhne milta hai, us hisab se I'll decide. Hi everyone, I'm Zoya Froze and I wish you all a very happy Diwali and a safe one. I'm doing a couple of films down south, so yeah, that should come out soon.
बट हाँ ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अवार्ड है तो मुझे आना भी था, इसलिए कि आजकल मैं अपने बच्चों से जो है वो सारे गैजेट्स के बारे में समझता हूँ और नेचुरली आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि विदाउट गैजेट जो है कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है इंसान को भी साथ में बढ़ना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए, तो मैं भी जो है गैजेट अभी काफ़ी कुछ और इस्तेमाल करने लगा हूँ और आगे आने वाले वक्त में और भी कर लूँगा। दिवाली और न्यू ईयर के लिए कोई ख़ास प्लानिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ जैसे न्यू ईयर जो है वो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं और या तो दोस्त लोग होते हैं, फैमिली होती है, हम लोग आउटडोर जाते हैं, कोई होटल में ठहरते हैं और एक बहुत बड़ा 10-12 दिन का एक तरह से फंक्शन लगा रहता है, तो हम उसमें से 3-4 दिन जो है वो कोशिश करते हैं कि खूब इंजॉय करें। अभी नॉन एंट्री के बारे में फिलहाल इसके लिए बात करना थोड़ा सा। दिवाली में क्या स्पेशल करने वाले हैं? नहीं नथिंग स्पेशल, कुछ ऐसे दिवाली में स्पेशल नहीं, दोस्तों से मिलना, उनको विश करना और खुशियां मनाना, बस इतना ही होता है। आई डोंट नो, अभी चल रहा है मामला, सब राइटिंग चल रही है, पता नहीं अभी, कुछ पता नहीं, आई कैन कमेंट, नहीं अभी नहीं, सब चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, कुछ भी नहीं अभी, सब प्लानिंग चल रही, लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल वक्त आने पे बताऊंगा। अच्छा न्यू ईयर आने वाला है, कुछ रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं? नहीं, इसलिए कि मैं जब भी रेजोल्यूशन कोई बनाता हूँ तो वो 2-3 दिन बाद टूट जाता है, तो अभी मैंने सोचा है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाना है। मेरी तरफ से सारे जो लोग देख रहे हैं उनको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। Congratulations!